जी का सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पे और उनका सम्मान करेंगे दिनेश साहू जी। मैं राजा जैन फूड न्यूट्रिशियन और दर्द निवारक स्पेशलिस्ट, मेरा विशेष थेरेपी के नाम से एक थेरेपी सेंटर है, गूगल एड्रेस में आप उसको खोल सकते हैं, प्रियदर्शनी कॉलोनी रायपुर छत्तीसगढ़। आज का मुख्य विषय है डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने को कैसे खाने के द्वारा और खाने सोने और पानी पीने के द्वारा अपने शरीर को कैसे बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है बचाव इलाज से बढ़ के है। वो उस उद्देश्य को रखते हुए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। अपन जब खाते हैं मुंह से और खाने को 30 फीट ट्रेवल करना पड़ता है पूरे शरीर में, 30 फीट माउथ से लेके खाने की नली से लेके स्टमक से लेके लीवर पैंक्रियास छोटी आंत और बड़ी आंत ये सब मिला के 30 फीट का रास्ता है। तो अपने को किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से सोना चाहिए, सबसे पहले अपनी दिनचर्या के बारे में। जब आप सोते हैं तो सोने के गलत तरीके से कई रोग उत्पन्न होते हैं। जो लोग राइट रिवर्स होते हैं, जो लोग उल्टा सोते हैं, वो अपने आप ही अकारण ही कई रोगों को निमंत्रण देते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन, हर चीज का साइंटिफिक रीजन के साथ मैं बताऊंगा। और मेरे पास जो अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ उसका वीडियो बनाने लायक है, क्योंकि इस तरीके का लेक्चर आपने आज तक इंडिया में कहीं नहीं सुना होगा। ये मेरा चैलेंज है और कई थेरेपीज को मिला के मैंने जो 10 साल की उम्र से इस विषय में पढ़ रहा हूँ उसको कई थेरेपीज को मिला के ये लेक्चर बनाया है, जिसमें डॉक्टरी फील्ड से लेके हॉस्पिटल से लेके हर चीज को हमने साइंटिफिक तरीके से उसके अंदर जोड़ा है। और जो आप सोने का तरीका, अगर आप बाई करवट सोते हैं तो उसका लॉजिक है कि बाई करवट सोने से अपना स्टमक जो है वो बाई तरफ उसका बड़ा पार्ट होता है, तो खाने का डाइजेशन जो है पूरा होने के बाद ही खाना आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। और अगर बाई करवट आप सोते हैं तो हार्ट का फ्लो जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है और अपन विद ग्रेविटी अपने ब्लड सप्लाई को हार्ट से आगे भेज रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी का होता है, अगर गलत करवट सोते हैं तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है हार्ट को, जो जिंदगी भर इस तरीके से उल्टा अगर सोते हैं तो आपकी नाभि दबती है और आपके बाई तरफ स्प्लीन है। और एक इंडियन थेरेपी है सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, अगर आप बाई करवट सोते हैं तो सूर्य स्वर चलता है, राइट नाक से सांस चलती है, हमेशा आप इसको ध्यान दें। राइट नाक से सांस चलने से अपना डाइजेशन बहुत अच्छा होता है और अगर आप बाई करवट सोते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है। उसके बाद जब आप सो के उठते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पैरों को, अपने जो पैर है उसको सबसे पहले हिलाना है, अपने पैर को थोड़ा झटकना है या रगड़ना है, ताकि जो रात भर में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है वो पैर में अगर आप उसका प्रेशर झटकने से या उसका फ्लो या उंगलियों को हिला के बाद में उठते हैं तो जो आपकी बॉडी का वजन है वो पैर सहन करने लायक हो जाता है, क्योंकि अपन जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर ब्लड सप्लाई बढ़ती है। तो उठने से पहले आप जरूर अपने पैर की उंगलियों की या किसी तरह की एक्सरसाइज करने के बाद ही उठें, क्योंकि पैर अपना तलवा और नींव है, उसका पावर अगर बड़ा रहेगा तो पैर और कमर संबंधी कई रोग से बचाव रहेगा। और मेरा मुख्य उद्देश्य है बचाव इलाज से बढ़ के है। उसके बाद जब आप सो के उठते हैं और अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो आप उस समय अपनी ये मुद्रा विज्ञान होती है, पुराने लोगों ने मुद्रा विज्ञान बनाया, इस तरीके से मुद्रा में बैठना है, इससे पेट साफ होता है। और पेट अगर साफ पूरा तरीके से नहीं होगा तो अनडाइजेस्टिव फूड जिसको अपन यूडीआई बोलते हैं इंग्लिश में, वो अनडाइजेस्टिव फूड अगर पेट के अंदर रह जाएंगे तो वो गैस करेंगे और गैस से ही सारी बीमारियां होती है। इसलिए ये मुद्रा विज्ञान अपान मुद्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉशरूम में बैठते समय इस मुद्रा में बैठना है और उस समय अपने पास समय रहता है तो आप कान और सर वगैरह की थोड़ी मालिश कर सकते हैं, जिससे आप ब्लड सर्कुलेशन पूरे ऑर्गन्स में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब आप पानी पीते हैं
दस पंद्रह मिनट बाद। तो पानी पीने का तरीका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं, गट गट करके पानी पीते हैं, उनका जो किडनी का फंक्शन वीक हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बनता है। उस प्रेशर से पानी अगर आगे बढ़ता है, जैसे आपने काला पत्थर वगैरह पिक्चर देखी होगी कि पानी का प्रेशर अच्छे अच्छे बहाव जो डाल देता है, इसीलिए अगर आप घटाघट पानी पीते हैं तो आपके जो खाने की नली, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में प्रेशर पड़ता है। तो पानी पीने का एक मैंने बहुत अच्छा इन्वेंशन किया है। इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, वो मेरा चैलेंज है कि आपको इंडिया में किसी थेरेपी सेंटर में या किसी के द्वारा इस तरीके का लेक्चर नहीं दिया होगा, और ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। आप अगर घुट घुट करके पानी पीने, कई जगह सुने होंगे, अगर आप घुट घुट करके पानी नहीं पी सकते, समय कम है, तो मुंह में पानी भर लें। पहले पूरा मुंह में पानी भर लें और अंदर करते समय घुट घुट करके करना है, जिससे आपकी किडनी से बचाव होगा, किडनी का फंक्शन अच्छा रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि किडनी के रोग में सबसे ज्यादा समय और पैसा खर्च होता है, और किडनी अपना सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होती है, क्योंकि वो एसिड अल्कलाइन बैलेंस करती है बॉडी का। अब अपन आगे और चलते हैं नाश्ते की तरफ। अगर आप नाश्ता समय पे करते हैं, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है शरीर के लिए, जो चाइनीज लोगों ने बनाई है। अब चाइनीज नाम ले रहा हूँ, लेकिन चाइनीज लोगों की कई ऐसी चीजें हैं जो काफी अच्छी और इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए, जो बायोलॉजिकल क्लॉक उन्होंने बनाई है। उसके बाद इंडियन थेरेपी में भी उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक का जिक्र है। तो अपना स्टमक जो है सुबह 7 से 9 के बीच में एक्टिव होता है, उस समय उसका एसिड रिलीज होता है। तो जो आप सुबह खाते हैं वही अमृत होता है, क्योंकि जब डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं उसी समय खाना है। और जितने भी यहाँ सुन रहे हैं जेंट्स या लेडीज, वो जेंट्स लोगों को चाहिए कि अपने घर परिवार के लेडीज का स्वास्थ्य अगर सही रखना है तो उनको जरूर बोलें कि वो टाइम पे खाएं, क्योंकि अगर टाइम पे खाया हुआ ही भोजन जो है डाइजेशन होता है, क्योंकि जो एसिड निकलता है फूड को ब्रेक डाउन करता है। और जो शुगर वाले पेशेंट है उनके लिए जैन शास्त्र के अनुसार खाने का इतना सटीक नियम है, जो हम जैन लोगों का जो खाना है सुबह 7:30 बजे, 12 बजे और 5 बजे, ये बायोलॉजिकली प्रूफ है कि आपका पैंक्रियाज जो है उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, उसमें सबसे ज्यादा पीक टाइम रहता है, और पैंक्रियाज का एक्टिवेशन जब रहता है उस समय आप खाना खाते हैं। तो शुगर वालों को बचाव होता है, जिनको शुगर नहीं है उनको भी शुगर से बचाव होता है। और जो खाना खाने का तरीका है वो मैंने बहुत अच्छा इन्वेंट किया है। कई लोग बोलते हैं कि चबा चबा के खाओ, लेकिन मैंने जो अपने दिमाग से जो एक इन्वेंट किया है इतने साल के स्टडी में, कि आप चबा चबा के अगर नहीं भी खा सकते तो तवा छोटा कर दें, अपना तवा छोटा कर देंगे रोटी का, तो अपने आप सब्जी ज्यादा लगाने में आएगी। तवा छोटा करने में ध्यान बस देना है तो सब्जी ज्यादा लगाने में आएगी, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन से 100 से ऊपर बीमारियां होती है, इसीलिए आप अपना तवा छोटा कर दें, बचाव इलाज से बढ़ के, और सोने खाने और पानी पीने के तरीके से आप अपने शरीर को काफी हद तक बचा सकते हैं। कई लोग खाली पेट चाय पीते हैं, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता कि ये चीज मत करो, उसका एक सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ। अगर किसी को खाली पेट चाय पीना भी है तो आप चाय पी सकते हैं, लेकिन पहले 1.5 गिलास पानी पीजिए। तो जब चाय अंदर जाएगी पेट में तो उस पानी में जाके गिरेगी जो पहले से पेट में है, तो आपकी पेट की गर्मी जो एसिड जो है भड़केगा नहीं, और वो पानी डाइल्यूट, चाय को डाइल्यूट कर देगा, इसलिए नुकसान कम होगा। आप अब जब मंजन करते हैं तो मंजन का एक बहुत अच्छा मैंने तरीका बताया, बहुत से तरीके आप लोगों को सुनते होंगे, लेकिन आप जो भी मंजन करते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का मंजन हो, उसको 5-10 मिनट मुंह में रखना है, क्योंकि हर कंपनी के मंजन में कोई मिंट या कोई ऐसी चीज रहती है जो मुंह के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए रहती है। अगर आप जल्दी से तुलना कर लेंगे तो कितना भी पावरफुल मंजन होगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। 5-7 मिनट अगर मुंह में रखते हैं तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए मंजन को कम से कम उतना समय चाहिए, इसलिए मंजन करने के बाद तुरंत कुल्ला नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो नाश्ते और खाने का क्लॉक जो आपको जैन शास्त्र के हिसाब से शुगर के लिए बताया हूँ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सुबह जो आपका नाश्ता रहता है वो महाराजा की तरह होना चाहिए, जो भी घर में अवेलेबल है ज्यादा से ज्यादा चीज खाना है, ताकि आपको उसका पावर मिल सके। डाइजेशन के बाद 5 घंटे बाद उसकी एनर्जी आपके पास आ जाएगी, और खाना जो है राजा की
की ड्यूटी घर में अवेलेबल हो और खाई टी का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप 5:30-5 बजे अगर बिजनेस वाले अपने घर से कुछ सामान ले जाके अगर उस समय 10 मिनट के लिए ब्रेक लेके खाते हैं, जैसे यहाँ स्टॉल में बहुत सारी चीजें हैं सूखी, उसको अगर आप अपने शरीर के लिए घर से लेके जाए 4-5 बजे और 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो उस समय मेटाबॉलिज्म सबसे टॉप में रहता है और भले रात का खाना कम कर दें। अब सब्जी जो आप बाजार से खरीदते हैं बनाते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। सब्जी छोटी छोटी खरीदना है, आप बड़ी हाइब्रिड सब्जी खरीदेंगे तो उसमें दवाई ज्यादा मिली रहेगी और दवाई से बड़ी रहेगी, इसीलिए छोटी सब्जी खरीदना है। जब आप सब्जी घर में ले आए तो उससे नमक के पानी से जरूर धोना है, क्योंकि नमक जो है जो पेस्टिसाइड जो उसमें रहते हैं सब्जी में उसको खत्म कर देता है। आपने सुने होंगे कि कई बार कोई गलती से या जानबूझकर कोई ऐसी दवाई पी लेता है तो उसको नमक का तुरंत पानी पिलाते हैं, और यही थेरेपी आप अपने घर में नमक से पानी धो के सब्जी को अगर बनाते हैं तो उसके पेस्टिसाइड्स खत्म हो जाते हैं। और सब्जी जब बनाते हैं उसको बड़ा बड़ा सुधारना है, छोटा अगर सब्जी सुधारते हैं तो एयर में उसके विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जब सब्जी पकाते हैं तो बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, ज्यादा गलाने से वो गर्मी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विटामिन मिनरल कैल्शियम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और खाना खाने के बाद यूरिन जरूर जाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जो कॉन्सेंट्रेटेड चीजें जो स्टमक से नीचे उतरती है वो किडनी के पोर्स को जाम कर देती है, इसलिए खाने के बाद यूरिन जाने से आपका जो किडनी उसकी सेफ्टी रहती है। और गाड़ी चलाने, रोटी बनाने और जो भी चीज आप करें, जो भी लाइफ में आप करें उसमें हमेशा हल्का सा शोल्डर को ऐसे पीछे करके करके गाड़ी चलाएं, इस तरीके से हल्का सा पीछे करके रोटी बनाएं। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं बैठ के एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि सामने की एक्सरसाइज जिंदगी भर होती है, और रीढ़ की हड्डी अपना अपना सेकेंड ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी से कई सारे फंक्शन जो ब्रेन को नहीं करने पड़ते वो रीढ़ की हड्डी कर देती है। इसीलिए जो यहाँ पर नर्व कंप्रेशन होता है, कई लोग ऐसे हाथ दबा के सोते हैं, सर के ऊपर हाथ रख के सोते हैं, कान के नीचे हाथ रख के सोते हैं, उनको कई रोग का कारण ही आ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से सोने से यहाँ पीछे नर्व कंप्रेशन होता है, यहाँ टाइटनेस आ जाता है, माइग्रेन्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कई सारी बीमारियां। मेरे यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ, आप सोते कैसे हो? गलत तरीके से सोने के कारण इतनी सारी बीमारियां वो अपने सर पे ले लेते हैं कि सबसे पहले मेरा रिजल्ट जब भी आता है जब सोने का तरीका बदल लेते हैं। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने विटामिन सी, आयरन और जिंक की बहुत सारी टेबलेट और गोलियां ली थी, क्योंकि डॉक्टर्स लोग का कहना था कि इसकी कोई दवाई नहीं होती, तो उसी को अपनाते हुए उसी कोरोना काल में जो आपने विटामिन सी डी वगैरह की गोली ली थी उसका टॉप फूड हमेशा लेते रहे। विटामिन सी का जो टॉप फूड है वो आंवला है, और आयरन जो है, आयरन अपने बॉडी में, आयरन का क्या महत्व है, आयरन अपने बॉडी में ऑक्सीजन को होल्ड करता है, इसलिए लोहे की कढ़ाई में कभी कभी सब्जी जरूर बनाना चाहिए, और आयरन को होल्ड करता है विटामिन सी, वो आयरन बाइंडर है, इसलिए आंवला दुनिया का सबसे टॉप फूड है। और आंवले का सेवन करने का मैंने भी तरीका अभी आपको बता रहा हूँ, वो आज पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं कोई बताया होगा कि आंवले का सेवन इस तरीके से करें, अभी आंवले का सीजन है, उसको पीस के उसका पाउडर बना लें और अपने कांच के बर्तन में चम्मच में रखें, और थोड़ा थोड़ा स्वाद के अनुसार अपने सब्जी में जिसमें आप उपयोग कर सके उसमें डालते रहें, तो पूरा घर परिवार आंवला खाएगा। और आंवले का महत्व यह है कि विटामिन सी लीवर का खाना होता है, और लीवर अपना 500 से ज्यादा फंक्शन करता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आंवला। और आप जो सोडियम, जो नमक होता है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि सोडियम का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड होता है, और उसका जो क्लोराइड है वो अपने कैल्शियम जो बोन रहते हैं उसको कैल्शियम क्लोराइड बना के निकाल देता है, जो मैग्नीशियम हार्ट के लिए जरूरी रहता है उसको मैग्नीशियम क्लोराइड बना के निकाल देता है, और जो पोटेशियम जो लंग्स के लिए जरूरी रहता है उसको पोटेशियम क्लोराइड बना के निकाल देता है। आपने हर जगह सुने होंगे कि नमक को अपन डालते हैं, जानवरों को गड़ाते हैं जब नमक डालते हैं हड्डी गलाने के लिए, इसलिए नमक की चीजें अगर आप लेते हैं तो वो जो चीजें आपको बहुत ज्यादा उपयोगी है जिस
का फायदा है वो वाली चीजों का सेवन ज्यादा करें। अपने शरीर का कचरा चार रास्ते से निकलता है, लीवर, किडनी, लंग्स और पसीना। इन चार रास्तों को आप कभी भी कहीं पर भी अगर आप सर्च करते हैं गूगल में, तो मैं आपको बीमारी का एक बहुत बढ़िया सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ, जो आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा। आप घर बैठे अपने परिवार कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी होती है या कोई आप दवाई लेके आते हैं, तो उसके पीछे उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं या दवाई का नाम लिखा रहता है। आप उसमें नेट में सर्च कर सकते हैं ये दवाई किस चीज में उपयोगी है, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, उसमें कई सारे विटामिन्स रहते हैं जिसका बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नाम अलग रहता है। आप सोचते हैं इतना बड़ा नाम की दवाई है, लेकिन वो कई सारे विटामिन्स रहते हैं। तो एवरी डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कैल्शियम, मिनरल। ये अमेरिकन थेरेपी होती है और हर रोग के पीछे कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उसी की आपको दवाई दी जाती है कॉम्बिनेशन के साथ। तो अगर आपको सर्च करना है दवाई को देख के, तो आप सर्च कीजिए कि वो दवाई किस चीज में उपयोग होती है, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उससे रिलेटेड विटामिन कौन सा है, उस बीमारी से रिलेटेड विटामिन कौन सा है, और उस विटामिन को सर्च करके आप विटामिन रिच फूड सबसे ज्यादा देखिए कि उस दवाई में कौन सा विटामिन है, उसका रिच फूड कौन सा है। और वो रिच फूड को अगर आप कोई हॉस्पिटल में आपके एडमिट है, कोई पेशेंट एडमिट है, तो अगर वो फूड आप उसको देंगे, तो वो फूड से वो बहुत जल्दी आप डॉक्टर्स लोग को हेल्प करेंगे। और आप हमेशा ये सर्च करिए कि क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस बीमारी में। कोई अगर हॉस्पिटल में है तो उसको फूड बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, दवाई के साथ साथ आप हेल्प कर सकते हैं। और साल में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिससे वेजिटेरियन लोग को जो विटामिन डी, B12 ये सब की कमी रहती है, या अपने शरीर में जो कमी रहती है, ये ब्लड टेस्ट जो है जीवन बीमा से भी बढ़ते हैं। आप लोगों का जीवन बीमा कराते हैं वो आगे वालों के लिए रहता है, जो आपके पीछे पीढ़ी है उसके लिए, लेकिन आपका जीवन बीमा जो है वो ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट अगर आप कराते हैं तो आप जो कमी है, कोई डायटिशियन से, कोई डॉक्टर से पूछता है, उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं, फूड में सर्च कर सकते हैं, और उस तरीके से आप खा के वो बीमारी को आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव इलाज से बेहतर है। और हार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा पॉइंट है जो मैंने इन्वेंट किया है। हार्ट की एक ही नस होती है जो लेफ्ट हैंड में होती है, बाकी सब अंदर है। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में प्रेस करने से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा आराम होता है। या फिर बचाव इलाज से बढ़ के ये थेरेपी को अपनाएं, इसको जरूर यहाँ पे प्रेस करना चाहिए, ये हार्ट पॉइंट है। और गैस के लिए अपने जो अंगूठा है और छोटी उंगली है पैर की, उसको जोर जोर से आपस में चुटकी बजाने से गैस रिलीज हो जाती है। मेरे सेंटर में उसी पॉइंट में दबा के हम लोग गैस रिलीज करने के बाद नाभि सेट करते हैं, और नाभि सेटिंग करने के बाद जब अलाइनमेंट बॉडी का हो जाता है तो आदमी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और आपने नमक के बारे में जो सुना है उसके लिए आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि एक छोले का डायलॉग है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो डॉक्टर बोलेगा गोली खा। जो ज्यादा नमक या नमकीन चीजें खाएगा उसको गोली अपने आप लेनी पड़ जाएगी। और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने इन्वेंट किया है, जो मार्बल और ग्रेनाइट में आप नंगे पैर चलते हैं तो जो शरीर की हीट लॉस होती है, जहां आप खड़े रहते हैं वहां शरीर की गर्मी जो है वो मार्बल ग्रेनाइट खींच लेता है, और जब नीचे का तलवा टाइट हो जाता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है। इसलिए घर में हमेशा कपड़े की चप्पल पहन के रहना चाहिए, और किसी को अगर एसिडिटी हो तो वो तुरंत थूक टिटकना चालू कर दे। ये बहुत बढ़िया इन्वेंशन है, अगर आप थूक टिटकते तो वो न्यूट्रल कर देता है अपने एसिड को, कभी किसी को चक्कर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। और हमेशा मिक्स वेजिटेबल, मिक्स दाल या मिक्स सीड या मिक्स फ्रूट, इस तरीके का खाना खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को एक डेली नीड होती है, उस नीड को पूरा करने के लिए मिक्स की चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप नहाते हैं तो आप हमेशा सर में कभी पानी नहीं डालें, और लेडीज लोग नहाने के बाद जो सर नहीं पोंछती है वो बहुत ज्यादा गलत है, आप इसका साइंटिफिक रीजन समझ लीजिए। अगर सर ठीक से नहीं पोंछेंगे नहाने के बाद, तो आपका जो पानी सर में है वो आपकी बॉडी की गर्मी को लेके ऑपरेट होगा। जो बॉडी की गर्मी है आपके सर को टाइट कर देगा, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा। ये सब चीजें कई सालों में होती है, आप इसके जरूर ध्यान दें। और
और अपने शरीर को बचाओ याद से करके उस थेरेपी से, और जो अभी ठंड में मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं उनको कान जरूर ढक के रखना चाहिए, क्योंकि कान से जो है पूरी एयर अंदर घुसती है। और मेरी नाभि सेटिंग की एक टेक्निक है जो मैं जो भी मुझे बुलाता है तो मैं उसको फ्री में सिखाता हूँ। जो टेक्निक है उसमें कई सारी नाभि सेटिंग की टेक्निक से एक्सरसाइज से आप कैसे अपनी बॉडी का अलाइनमेंट करते हैं, क्योंकि जब आप MRI लेके मेरे पास आते हैं तो L4, L5, S1 में प्रॉब्लम है बोलते हैं, पुराने लोग उसको नाभि सेटिंग बोलते हैं। तो उसको कैसे फिट रखना, कैसे बैलेंस बना के रखना, अगर किसी को मुझे बुलाना हो तो 20-25-50 लोगों को मैं फ्री में ट्रीटमेंट वो सिखाने का देता हूँ और इस तरीके का छोटा सा लेक्चर देता हूँ, ताकि आप अपने शरीर को बचा कर फिट रख सके। और साइनस ऑक्सीजन थेरेपी एक मैंने इन्वेंट करी है जो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। और ये इन्वेंशन जो है ये नाक में इस तरीके से सरसों तेल डाल के जब मैं ये नाक में मशीन ऐसे चलाता हूँ साइनस के पॉइंट में, तो कितनी भी सर्दी हो, कफ हो, साइनस हो, माइग्रेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस, हर चीज में मेरे को ये ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में अगर आप उंगली भी हिलाते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए मैं इस तरीके से जो थेरेपी करता हूँ ऑक्सीजन साइनस ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी, क्योंकि साइनस अपना ब्लड सर्कुलेशन 70% मेंटेन करता है, और इस तरीके से जब मैं ये ट्रीटमेंट देता हूँ तो ये छेदा जो नाक का है वो फ्री हो जाता है, अपने नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है, धूल मिट्टी कचरा सब निकल जाता है, तो एयर फ्लो का पैसेज बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे कई बीमारियों का ट्रीटमेंट में अपने आप ही मेरे को हेल्प करता है। इसलिए आप हमेशा अपने शरीर को फिट रखने के लिए कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे पानी पीना, जैसे खाना खाने के समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद पानी पीना है, सबके एक लॉजिक है। और जो आपको मैं अभी लॉजिक बताया उसमें बहुत सारे लॉजिक जो है मैंने इन्वेंट किए हैं, और जैन शास्त्र के अनुसार खाने पीना और सोने के तरीके से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लैक चीज अगर आप खाते तो लीवर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, और कोको पाउडर जो है दुनिया का सबसे टॉप फूड में से एक आता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, और जितनी भी काली चीजें वो आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि लीवर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और उसका कलर चॉकलेटी ब्राउन होता है, इसलिए लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काली बरबटी, काली डेट, जितनी ब्लैक और पर्पल चीजें, एक थेरेपी ये भी है, 5 तरीके के फ्रूट कलर थेरेपी भी होती है फ्रूट की, वो जरूर खाना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको आखिरी में टिप्स दे रहा हूँ, पैर गर्म, पेट नरम और सर ठंडा तो बैठ को मारो डंडा, ये थेरेपी जो है पुराने लोग बोलते थे। तो पैर गर्म कैसे रखेंगे, पैर में हमेशा कपड़े की चप्पल पहने, मार्बल में टच मत होने दें। पेट नरम कैसे करेंगे, खूब ज्यादा सब्जी खाएं और अनाज कम खाएं, पेट नरम रहेगा। और सर को ठंडा कैसे रखेंगे, आप ज्यादा बिल्कुल भी तनाव मत लें, जब आप तनाव लेते हैं तो आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते, आप सोचते रहते हैं तो आपकी सांस लेने की क्षमता जो है उसका टाइमिंग बढ़ जाता है, 10 बार की जगह 5 बार सांस ले पाते हैं, इसलिए ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से ही हर बीमारी होती है। इसलिए आंवला, शिमला मिर्ची और जाम जो है सबसे टॉप फूड कहलाते हैं, और लोहे की कढ़ाई में आपको जरूर खाना चाहिए। धन्यवाद।